Hello people, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture, I am going to discuss a very important novel of a Canadian writer of Margaret Atwood. And this novel is very important for the spirit of UGC NET Indian Literature and all the other exams. The novel is The Blind Assassin. This novel was published in 2000 and this novel also won the Man Booker Prize and the Hamlet Prize on the same year. The Man Booker Prize she got in 2000 and the Hamlet Prize she got in 2001. But before starting the video, I would like to say that till now, if you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel and share your friends who are going to prepare for any exams of Indian literature, because in this video, I am going to discuss the novel summary in detail, and in detail, it is very important to know that how many characters are there, what is the story is saying. So, aayye video ko start karte hain. ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल की स्टोरी थ्री स्टेजेस में बताई गई है. एक्चुअली ये जो नॉवेल है ब्लाइंड असैसिन, ये नॉवेल विद इन अ नॉवेल की स्टोरी है. मतलब आपको एक नॉवेल के अंदर और भी नॉवेल्स की स्टोरी मिलेगी. एग्जैक्टली इसकी जो नरेटर है वो इसकी मेन प्रोटैगोनिस्ट जो की है आइरिश चेज. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एग्जैक्टली इस नॉवेल में क्या है. इस नॉवेल की स्टोरी को आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी. एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द नॉवेल वेरी इजीली. अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आइरिश चेज है, ये इसके मेन प्रोटैगोनिस्ट है और इस नॉवेल की नरेटर भी है. अब जो आइरिश चेज की मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जब ये नॉवेल स्टार्ट हो रही है तो उसमें ये दिखाते हैं कि आइरिश की सिस्टर की लॉरा की डेथ हो चुकी है. यहाँ पे जो लॉरा है ये आइरिश की सिस्टर होती है. अब आइरिश की सिस्टर की डेथ हो चुकी है, ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है कि किस तरीके से लॉरा ने अपनी सिस्टर आइरिश की कार लेके ब्रिज पे गई थी और उसने किस तरीके से सुसाइड कर दी थी. यहाँ पे जो सोर्सेज हैं इवेंट का पता चलने के, उसके सोर्सेज न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, लेटर्स हैं और भी अदर चीजें हैं जिसके थ्रू इस नॉवेल के सीक्रेट्स रिवील होते जाएंगे. अभी आप लोग को समझ आ जाएगा. अब लॉरा जो है कि डेथ हो चुकी है, यहाँ पे जो आइरिश है, अब मैं बताती हूँ जो आइरिश चेज है और लॉरा चेज है, ये दोनों सिस्टर्स होती हैं. इनके फादर की बटन फैक्ट्री होती है, लेकिन वो बटन फैक्ट्री अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो आइरिश क्या करती है, अपने फादर की बटन फैक्ट्री को दोबारा रिन्यू करने के लिए, दोबारा उसको स्टैंड करने के लिए एक बिजनेसमैन से, एक रिच मैन से शादी कर लेती है. उस रिच मैन का होता है नेम रिचर्ड गिफिन. अब रिचर्ड गिफिन से ये शादी कर लेती है. शादी करने का पर्पस ये था कि ये जो बिजनेसमैन है ये इसके फादर की हेल्प करेगा, जिससे इनके फादर की बटन फैक्ट्री बच जाएगी. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. जब आइरिश की शादी रिचर्ड से होती है तो इन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा एज गैपिंग होता है. यहाँ पे आइरिश होती है 18 इयर्स की और जो रिचर्ड होता है वो होता है 35 इयर्स का. अब इन लोग की शादी हो गई है, लेकिन यहाँ पे आइरिश की लाइफ बहुत ही ज्यादा माइजरेबल हो गई है. आइरिश को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे शी इज जस्ट लाइक अ बेबी. इसको कौन ओवरलैपिंग करता है, इसके ऊपर कौन ओवर पोजिशननेस दिखाता है, वो होती है रिचर्ड की सिस्टर. रिचर्ड की सिस्टर जिसका की नाम होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ विनफ्रेड. इसकी सिस्टर का नाम होता है विनफ्रेड.
जो कि टोटली कंट्रोल करती है किस तरीके से आयरिश को, कि हमेशा आयरिश को ये शो ऑफ करती है कि तुम अच्छे फैमिली से नहीं हो, तुम्हें अच्छे लोगों के हाई कल्चर के तुमको मैनर्स नहीं आते हैं। तो वो क्या करती है, हमेशा जो विनफ्रेड होती है इसकी सिस्टर इन लॉ आयरिश की और रिचर्ड की सिस्टर होती है, वो हमेशा ये दिखाती है कि देखो मैं किस तरीके से ब्राइट कपड़े पहनती हूँ, तुमको भी ब्राइट कपड़े ही पहनना चाहिए। तो हर अकेजन में जब भी वो जाती है उसको हमेशा अपनी सिस्टर इन लॉ के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। इवन अगर वो पार्टी में भी जाती है तो आयरिश को देख के ऐसे लगता है कि जैसे उसने यहाँ पे ऑफिशियली कोई ड्रेस पहन रखी हो। वो पूरी तरीके से यहाँ पे इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो इसकी सिस्टर इन लॉ का रोल है वो एज अ स्टेप मदर जैसा दिखाया गया है कि किस तरीके से वो ओवर पजेसिव है, पूरी तरीके से वो रिचर्ड और आयरिश के घर पे पूरी तरीके से इसका कंट्रोल होता है और इसने ही इस घर को पूरी तरीके से डेकोरेट भी किया होता है। जब इनकी शादी हुई होती है तो ये जो इसकी सिस्टर इन लॉ होती है विनिफ्रेड, ये क्या करती है, कभी भी अपना खाना फिनिश नहीं करती है, हमेशा खाना छोड़ देती है। इस बात से इसको बहुत ही ज़्यादा आयरिश को इरिटेशन होता है क्योंकि इसके घर पे इसकी जो केयर टेकर होती है रिनी यहाँ पे इसकी केयर टेकर होती है। किसकी केयर टेकर होती है, ये आयरिश की केयर टेकर होती है। एक्चुअली जब आयरिश और लॉरा बहुत छोटे थे तो इनकी मदर की बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी, तो रिनी ने ही इन लोगों को अच्छे से ब्रॉटअप किया था, इसका पालन पोषण किया था। तो रिनी ने इन लोगों को यही सिखाया था कि खाने की वेस्टिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग स्टार्वेशन की वजह से मर रहे हैं। ये चीज़ तो हमेशा से ही आयरिश ने सीखी थी। अब यहाँ पे जब ये इसकी जो सिस्टर इन लॉ विनफ्रेड होती है, जब ये खाने को वेस्ट करती है तो आयरिश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहती है। बाद में इसको ये पता चलता है कि अरे ये तो हाई कल्चर के जो लोग होते हैं उनका ये फैशन होता है कि वो लोग खाना छोड़ते हैं अपने अरिस्टोक्रेसी दिखाने के लिए, तो वो इस चीज़ को एडॉप्ट कर लेती है। अब उसके बाद यहाँ पे इन लोगों का लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है। रिचर्ड भी होता है वो इससे बहुत ज़्यादा ही मतमीज अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो विनफ्रेड होती है, विनफ्रेड यहाँ पे जो अपने भाई से उसका रिलेशन है वो एक प्लेटोनिक लव से कहीं ज्यादा इसका रिलेशन क्लोज रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे जब शादी के बाद ये लोग हनीमून में जाते हैं तो आयरिश के हस्बैंड यहाँ पर रिचर्ड को टेलीग्राम मिलता है, वो टेलीग्राम होता है लॉरा का, और लॉरा उस टेलीग्राम में ये बताती है कि उनके फादर, मैं आपको फैमिली इंट्रोड्यूस करा देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। ये जो बेंजामिन चेज हैं ये लॉरा के और एरिस के ग्रैंडफादर होते हैं, ये ग्रैंडमदर है, ये इनके फादर है नोबल चेज, और लिलियाना इनकी मदर होती है। तो अब जब आयरिश और रिचर्ड हनीमून पे गए थे तो इनको टेलीग्राम मिलता है, इनको मतलब सिर्फ रिचर्ड के पास टेलीग्राम आता है कि लॉरा के फादर इनकी नॉर्मल चीज की डेथ हो गई है और तुमको उनके फ्यूनरल पे आना है। लेकिन रिचर्ड इस टेलीग्राम को छुपा लेता है और ये चीज आयरिश को नहीं बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। जब ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो इसको लॉरा के थ्रू पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है। उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है कि रिचर्ड ने मेरे साथ बिट्रेयल किया है, मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई। लेकिन वो इस चीज को डायरेक्टली रिचर्ड से नहीं पूछती, और अब उसको ये भी बिलीव हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे रिचर्ड ने इसके साथ धोखा किया है, क्योंकि जो शादी करने का बेस था, उस मैरिज का बेस ही यही था कि इनके फादर की जो कंपनी है, जो बटन फैक्ट्री है, उसको यहाँ पे रिचर्ड कैसे भी करके उसको सेव करेगा, दोबारा उसको स्टैंड करेगा। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे आयरिश बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। अब जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो ये डिसाइड होता है, विनफ्रेड और रिचर्ड ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग लॉरा को यहीं पे बुला लेते हैं और लॉरा यहीं पे
पे हम लोगों के साथ रहेगी। अब लॉरा इन लोगों के साथ आके रहने लगी है। रिचर्ड और विनफ्रेड उसका एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और वहां से दो बार भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो रिचर्ड के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये वहां से नहीं भाग पाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। और यहाँ पे जो लॉरा होती है वो पूरी तरीके से एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। किसके लिए बन जाती है? रिचर्ड के लिए बन जाती है। और रिचर्ड के लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। और रिचर्ड यहाँ पे आलिश से भी रिलेशन रख रहा है और लॉरा से भी उसका रिलेशन है। धीरे से धीरे ये क्या होती है कि लॉरा यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है रिचर्ड से। जब ये बात रिचर्ड को पता चलती है तो रिचर्ड उसको फोर्स करता है कि तुम्हें जाके एबॉर्शन करा लेना चाहिए। इसको एबॉर्शन कराने के लिए भेजा जाता है। उस एबॉर्शन में क्या होता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इस चीज के बारे में विनफ्रेड को और रिचर्ड को पूरी तरीके से पता होता है। तो इसको एक प्राइवेट क्लिनिक में भेजा जाता है जिसका नाम होता है बेला विस्टा। उस प्राइवेट क्लिनिक में भेजने के बाद उस प्राइवेट क्लिनिक के डायरेक्टर का लेटर रिचर्ड को मिलता है। तो पता चलता है कि जो लॉरा की कंडीशन है वो क्रिटिकल है। उसके बाद क्या होता है कि लॉरा क्या करती है, जब एबॉर्शन करा के आती है तो वो आने के बाद अपनी सिस्टर की गाड़ी लेती है और ब्रिज पे जाती है और वो सुसाइड कर देती है। एग्जैक्टली इस नॉवेल में जो पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी का कॉम्बिनेशन है, मैंने भी बताया था कि ये स्टोरी विद इन स्टोरी है। एक्चुअली जो ब्लाइंड असैसिन है, इस नॉवेल को जो पब्लिश कराया गया था उसको कराया गया था लॉरा के नेम से। मतलब इस स्टोरी को जो लिखा था ब्लाइंड असैसिन को, उसको लिखा था आयरिश ने लिखा था। और आयरिश ने जब लॉरा की डेथ के बाद उस नॉवेल को पब्लिश कराया लॉरा के नेम से, लेकिन उसको एग्जैक्टली लिखा था आयरिश ने। ये स्टोरी विद इन स्टोरी है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई, ये यहाँ पे जो आयरिश है इस टाइम पे जब वो स्टोरी नरेट कर रही है तो वो 82 ईयर्स ओल्ड है और एक विडो भी है। अब विडो कैसे होती है मैं आपको अभी ये बताती हूँ। जब लॉरा की डेथ हुई थी तो लॉरा ने जब सुसाइड की थी तब उसकी एज 25 ईयर्स थी और वो टाइम दिया था वो था 1945 का। उसके 2 ईयर्स के बाद जो रिचर्ड का हस्बैंड होता है आयरिश का, वो भी सुसाइड कर लेता है। उसके सुसाइड करने का ये रीजन था कि वो जो डायरेक्टर का लेटर था एबॉर्शन वाला और जो रिचर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उस लेटर के थ्रू, एक्चुअली वो एक्सपोज हो गया था, जिसकी वजह से इसकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन थी वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे रिचर्ड ने भी सुसाइड कर लिया था। और इस सुसाइड केस की इंफॉर्मेशन भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलती है। अब यहाँ पे जो आयरिश है वो अपनी बचपन की चीजों को याद कर रही है। अब उसको जो उसकी जो केयर टेकर होती है रिनी, वो उसको ये बताती है कि जो लॉरा थी वो क्या करती थी, अपने जो भी बेड एक्सपेरिमेंट होते थे या उसको जो भी उसकी फीलिंग्स होती थी वो उसको हमेशा अपने रात में अपनी डायरी में लिखती थी और वो उस डायरी को अपनी कबर्ड में रखती थी। तो यहाँ पे आयरिश को वही डायरी मिल जाती है जो कि लॉरा लिखा करती थी। तो उसमें उसको कुछ कोडिंग मिलती है। उस कोडिंग के थ्रू उसको ये पता चलता है ये सारी स्टोरी की, किस तरीके से रिचर्ड ने लॉरा के साथ रेप किया, कई बार उसके साथ रेप किया, किस तरीके से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और हमेशा वो उसको डराता रहता था रिचर्ड कि मैं एलेक्स को पकड़वा दूंगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एलेक्स थॉमसन कौन है। जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो इनके फादर की जो फैक्ट्री थी वो एकदम रूइनिंग कंडीशन में थी, वो डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और यहाँ पे जो एलेक्स थॉमसन है ये यहाँ पे एक क्या होता है, लेबर एजिटेटर होता है, एक पल्प साइंस फिक्शन भी ये लिखता है। अब जब
इन लोगों की फैक्ट्री रूइनिंग कंडीशन में होती है, तो यहाँ पे एलेक्स आता है। एलेक्स को सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद यहाँ पे जो लेबर की स्ट्राइकिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें एलेक्स ही रिस्पॉन्सिबल है। एलेक्स एक आउटसाइडर होता है। जब एलेक्स यहाँ पे भागता है तो ये लोग अपने ही घर में, आयरिश और लॉरा जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम होता है एविलियन, ये लोग अपने घर के उस एटिक में इसको एलेक्स को छुपा देते हैं। और एलेक्स यहाँ पे एक वो कैरेक्टर है जिसका दोनों ही सिस्टर से, मतलब आयरिश से भी और लॉरा से भी, दोनों से ही इसका कनेक्शन होता है। और यही चीज अभी तक, जब तक लॉरा की डेथ नहीं हुई थी, तो आयरिश को ये लगता था कि लॉरा का और एलेक्स का क्या है रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली इस नॉवेल में जो आयरिश का ही एलेक्स के साथ एक ना मैट पर अफेयर होता है। अब यहाँ पे ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको पूरी नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो एलेक्स है, एलेक्स ने एक स्पैनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और उसकी डेथ पोलैंड में हो जाती है। यही बात आयरिश बताती है लॉरा को, और उसके बाद लॉरा सुसाइड कर लेती है। तो आयरिश को ये लग रहा था कि शायद एलेक्स के बारे में मैंने बताया, इसलिए लॉरा ने सुसाइड कर लिया। और रिचर्ड भी हमेशा क्या करता था, लॉरा को ये डराता था, धमकी देता था कि अगर तुमने मेरे इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं एलेक्स को क्या कर दूंगा, पकड़वा दूंगा। ये सारी चीजें आयरिश को पता चल जाती है उसकी डायरी के थ्रू। और जब उसको वो डायरी मिलती है तो उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो कोडिंग सिस्टम में लिखे थे। उन कोडिंग को जब डिकोड करती है आयरिश, तो उसको ये पता चलता है कि वो किस तरीके से हमेशा से ब्लाइंड असेसिन बनी रही। उसकी सिस्टर उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं कर पाई, और एट लास्ट फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे जब आयरिश को ये सब चीजें पता चल जाती हैं, तो वो क्या करती है कि सोचती है कि मैं घर से भाग जाऊं अपनी डॉटर एमी को लेके। यहाँ पे जो एमी है, ये डॉटर है आयरिश की और इसकी रिचर्ड की। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, जब लॉरा प्रेग्नेंट हुई थी उसी टाइम पे आयरिश भी प्रेग्नेंट हुई थी एलेक्स से। और जिस टाइम लॉरा की डेथ हुई थी उस टाइम पे जो आयरिश थी वो 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। जब इसकी डॉटर होती है तो उसमें ऐसे फीचर्स थे जैसे कि वो एलेक्स की ही डॉटर हो। तो ये देख के आयरिश को ये श्योर हो जाता है कि ये जो डॉटर है ये रिचर्ड की डॉटर नहीं है, जबकि किसकी डॉटर है, ये एलेक्स की डॉटर है, क्योंकि उसके फीचर्स एलेक्स से बिल्कुल मिलते जुलते थे। अब यहाँ पे आयरिश सोचती है कि मैं एमी को साथ लेके भाग जाऊं, लेकिन एमी की जो कस्टडी होती है वो होती है विंसेंट के पास, मतलब इसकी सिस्टर इन लॉ के पास। तो ये यहाँ पे काफी आर्गुमेंट होता है, बहुत परेशान होती है, और ये एमी को लेके यहाँ से भागना भी चाहती है, और ये यहाँ से भाग भी जाती है। और उसके बाद जब एमी को ये पता चलता है कि उसके फादर ने किस तरीके से उसकी आंटी का, मतलब लॉरा के साथ फिजिकली अब्यूज किया था और उनके साथ रेप किया था, तो यहाँ पे एमी भी क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। अब यहाँ पे जो स्टोरी है ये चल रही होती है कि इसके अंदर एक और आपको नॉवेल मिलती है, मतलब नॉवेल विद इन अ नॉवेल, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एक साइंस फिक्शन होती है जिसमें एलेक्स ने अपने वॉर टाइम के एक्सपीरियंस को बताया है। एक जगह होती है जिसका नाम होता है साकर न्यूइ करके, उस जगह के बारे में बताया है, उसका डिप्रेशन बताया है, उस टाइम की कंडीशन बताई है, विमेंस की फिजिकल सिचुएशन बताई है, उनको किस तरीके से अब्यूज किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था ये जो स्टोरी है ये थर्ड स्टेज में बताई गई है। फर्स्ट स्टेज में जिसमें कि
आरिश है अपना चाइल्डहुड का मेमोर लिख रही है, पूरा किस तरीके से मुझे क्या क्या किया, मेरी लाइफ कैसी रही, कैसे मेरी शादी हुई। सेकेंड स्टेज में जो स्टोरी चलती है वो स्टोरी चलती है लॉरा की, जो उसको पता चलती है उसकी डैडी के थ्रू। थर्ड स्टेज में जो स्टोरी होती है वो होती है एरिक थॉम्पसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टाइम पे जब आयरिश है तो उसकी जो केयर टेकर होती है वो होती है मायरा। मायरा यहाँ पे कौन है, मायरा यहाँ पे रिनी की बेटी होती है, रिनी हिक्स जो कि इसकी केयर टेकर होती है। रिनी ने शादी की थी रॉन हिक्स से और उनकी बेटी होती है मायरा। मायरा ने शादी की यहाँ पे वॉल्टर से। अब यहाँ पे ये चीजें तो आपको क्लियर होगी, रॉन यहाँ पे जो कि एक कारपेंटर होता है, और इस टाइम पे जो आयरिश है वो अपनी इस नॉवेल को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहती थी, तो वो क्या करती है अपने मेमोर को, अपने जो उसने लिखा था उस अनपब्लिश्ड नॉवेल को, उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपनी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम होता है शेवलिना उसके पास छोड़ देती है एक डिस्कवरी के रूप में, एक अननोन ट्रुथ। जैसा कि मार्गरेट एटवुड की हर नॉवल में आप देख लोगे जो कंक्लूजन होता है वो एक एब्रप्ट कंक्लूजन होता है, जिसको कि रीडर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि उस कंक्लूजन का रीडर इंटरप्रिटेशन करेंगे। बट एग्जैक्टली जो नॉवेल थी वो यही नॉवेल की स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे जो आयरिश है, आयरिश भी अपनी ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर एडिलिया की तरह ही थी। एडिलिया तरह कैसे थी, एडिलिया एक बहुत ही प्रॉस्पेरस फैमिली से थी, लेकिन इसकी फैमिली में एक अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉयमेंट आया जिसकी वजह से इसकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो उसने किससे शादी की थी, बेंजामिन से शादी की थी अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक करने के लिए, सेम टू सेम वैसा ही आयरिश के साथ होता है। आयरिश के फादर की फैक्ट्री भी जब रियून हो जाती है, बटन फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो भी वो रिच मैन रिचर्ड से शादी कर देती है। यहाँ पे जो आयरिश है इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये एक साइलेंट कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो एक लिटिल बेबी हो। इवन जब यहाँ पे आयरिश जाती है हनीमून में, तो उसके और उसके हस्बैंड में एक अच्छी म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होती है, उनके बीच में गैपिंग होती है। जब वो लोग शाम को डिनर पे भी बैठते थे, जब अपने हनीमून टाइम पे थे, उस ड्यूरेशन में भी शाम को डिनर के टाइम पे रिचर्ड ये पूछता था कि तुम बताओ मुझे पूरे दिन कि हम लोग आज कहाँ कहाँ गए थे और हम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आयरिश बताती थी, जैसे कि आज हम लोग नॉटिंघम शायर गए थे, हम लोग बकिंघम पैलेस गए थे, हम लोग एबे थिएटर गए थे। ये पूछने का पर्पस क्या था, जैसे कि रिचर्ड इसको सिखा रहा हो, इसको मिस एजुकेट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो आयरिश के कैरेक्टर को पूरी तरीके से कैसे दिखाया गया था, एक साइलेंट कैरेक्टर दिखाया गया था। यहाँ पे आयरिश की डेथ हो गई थी 1999 में, और उसने अपना ये जो लास्ट मेमोर लिखा था वो लिखा था 1998 में। अब यहाँ पे आई एम श्योर कि आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे कैरेक्टर बचता है मिस्टर अर्श काइन का। अर्श काइन एक वो कैरेक्टर होता है, एक सेडक्टिव, एक लस्टफुल कैरेक्टर होता है, एक ऐसा ट्यूटर होता है जिसको कि नॉवल चेज ने, मिस इरिश और लॉरा के फादर ने यहाँ पे इसको हायर किया था अपनी बेटियों के लिए एज अ ट्यूटर। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता है स्पेशली किसको, लॉरा को। एक बार ये लॉरा का हाथ पकड़ लेता है, उस हाथ को टुश कर लेता है और अपना हाथ उसके गर्दन के चारों तरफ फंसा देता है। एग्जैक्टली इसका जो मेन ये था कि कैसे लॉरा को और आयरिश को एक कल्चरल चीजें सिखाना है, किस तरीके से उनको लड़कियां कैसे रहती हैं, उनको किस तरीके से रखा जाता है, ये सब चीजें सिखाने के लिए यहाँ पे इनके फादर नॉर्मल चीज ने मिस्टर अक्सुकाइन को यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इनको हायर किया हुआ था। अब यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इसकी जो सेटिंग है वो है ओंटारियो की, जो कि कनाडा का ही एक प्लेस है।
और इस नॉवेल कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बचा है, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम। हाँ चलिए ठीक है, तो आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर, एंड टिल नाउ बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।